कोरोना वायरस का संकट अभी टला नहीं है कि एक और खतरा दुनिया के सामने आ गया है। पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ रहा है। यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को सूर्य से होने वाले रेडिएशन और अंतरिक्ष से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल से बचाता है। मैग्नेटिक फील्ड के बिना सूर्य का आवेशित कण ओजोन परत को भेद कर धरती पर आ जाएगा। इससे यूवी रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा और जीवन में संकट आ जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड पिछली 2 शताब्दियों में अपनी 10% तक तीव्रता खो चुका है। इसके कमजोर पड़ने से उपग्रह और अंतरिक्ष यान भी परेशानी झेल रहे हैं। इन्हें भी ग्रह की परिक्रमा करने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में मोबाइल सेवा ठप पड़ सकती है और विमानों की आवाजाही में परेशानी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के बीच में एक बड़े इलाके में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता में कमी आई है। इसे दक्षिण अटलांटिक विषमता कहा जा रहा है। करीब 5 साल पहले ही कम तीव्रता का एक क्षेत्र विकसित हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी ध्रुवों में बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसके तहत उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे का स्थान लेते हैं। ऐसा अंतिम बार 7,80,000 साल पहले हुआ था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2013 से पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन कर रही है। इस मिशन में 3 सैटेलाइट लगे हुए हैं जो उच्च गुणवत्ता के आंकड़े मुहैया कराते हैं। पिछले कुछ सालों से विशेषज्ञों के रडार पर मैग्नेटिक फील्ड में कमी आई है। पिछले 200 सालों में इसकी तीव्रता में 9% तक की कमी आई है। इस बीच अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच काफी बड़े हिस्से में हाल ही में मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा कमी पाई गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ध्रुवों में बदलाव अचानक से नहीं हो जाता है और यह धीरे धीरे होता है। यह बदलाव हर एक 2,50,000 साल में होता है।